हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत दिन हो चुके थे कि मैंने कोई शिबा इनू के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वो शिबा इनू के ऊपर ही करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रेशर है, बाइंग प्रेशर है, वो बढ़ता जा रहा है। और भी बात करेंगे शिबा इनू की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तो वो सारी की सारी बातें करेंगे हम इसी वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम देखते चलें भाई शिबा इनू की करंट कंडीशन, तो वो भी 1.35% पे 24 घंटों में इंक्रीज हुआ है। करंट प्राइस चल रही है तकरीबन 0.40 के बाद 1016 इसकी करंट प्राइस चल रही है। बीटीसी के हिसाब से 2.77% डाउन किया है। इथेरियम के हिसाब से 7.06% इंक्रीज हुआ है। वहीं पे अगर हम इसकी रैंकिंग देखते चले तो रैंकिंग अभी भी 14 नंबर पे मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 27.02% पे 24 घंटों में इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो साथ साथ अगर हम फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते चले तो लास्ट मंथ मार्केट तकरीबन 16 स्कोर के साथ एक्सट्रीम फेयर में थी, लास्ट वीक भी 11 स्कोर के साथ एक्सट्रीम फेयर में थी, और उससे भी लास्ट दिन तकरीबन 13 स्कोर के साथ एक्सट्रीम फेयर में थी। वहीं पर अगर हम आज की बात करें तो आज तकरीबन बहुत कम स्कोर है, तकरीबन 11 स्कोर के साथ मार्केट अभी भी हमें एक एक्सट्रीम फेयर कंडीशन में देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम देखते चले बिटकॉइन हो या और कॉइन्स, उनके ऊपर देखते चले तो भाई बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $20,005, जो अभी मुझे लग रहा है कि 20,000 से भी डाउन जाने वाली है। तो जा चुकी है तकरीबन 1.39% डाउन गया है, और इथेरियम भी तकरीबन 5.33% डाउन गया है। वहीं पर अगर हम दूसरे कॉइन्स की बात करें बीएनबी की, वो भी 2.31% डाउन गया है। तो डोज कॉइन अभी भी शिबा इनू से अबव है तकरीबन 0.87% पे 24 घंटों में डोज कॉइन इंक्रीज हुआ है। वहीं पे शिबा इनू हमें तकरीबन 2% के करीब का हमें गेन दिला रहा है। तो भाई ये कुछ करंट कंडीशन से। तो यहाँ पे इससे पहले कि मैं मजीद को वीडियो को आगे लेके चलूँ, मैं मजीद कुछ बातें करूँ शिबा इनू के ऊपर, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाके मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बैल के आइकन को दबाएँ ताकि शिबा इनू, लवली इनू, बेबी डोज कॉइन, सेफ मून, शिबनोबी, फ्लोकी, किशू, कोई भी बीम कॉइन हो या कोई भी रियल टोकन हो, ट्रेरा लूना हो, कार्डेनो हो, सोलाना हो, इनके हवाले से जो भी अपडेट्स वगैरह निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन चीज़ों को मिस ना कर सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते चले शिबा इनू की, तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ है वो क्लियर करना चाहूँगा। वाना नो हाउ मच $1,000 इन्वेस्ट इन शिबा ड्यूरिंग द पेंडेमिक वुड बी वर्थ नाउ। जी बिल्कुल, जब पेंडेमिक आया था, कोविड था, तो उस वक्त अगर आप लोगों ने $1,000 भी शिबा इनू में लगाया होता तो उसकी कीमत कितनी होगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो एक बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती थी अगर आप लोगों ने उस वक्त शिबा इनू में तकरीबन $1 लगाया होता। तो सो लेट डू मैथ, $1,000 इन्वेस्टेड इन शिबा इनू 2020 वुड बी द वर्थ ऑफ अराउंड $120 million टुडे। जी बिल्कुल, अगर आपने 2020 में जब कोविड चल रहा था उस वक्त अगर पेंडेमिक में आप लोगों ने तकरीबन $1,000 की इन्वेस्टमेंट की होती शिबा इनू में, तो तकरीबन उसकी वर्थ थी $120 million। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट में एक बहुत बड़ी वर्थ है अगर लोगों ने, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगी और वो इनसे ज़्यादा प्रॉफिट में होगे। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भाई शिबा इनू का जो बाइंग प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो तकरीबन 89% इंक्रीज हुई है, और जो पॉपुलरिटी है वो 11% पे तकरीबन। आप देख सकते हैं कि 89% इसका बाइंग प्रेशर है और सेलिंग प्रेशर 11% है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स काफ़ी जो सारे हैं वो शिबा के ऊपर फिर से बिलीव करने लग गए हैं और फिर से जो शिबा में है वो इन्वेस्टमेंट करने लगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्विचर क्रिप्टो एक्सचेंज पे, अब फाइनली जो शिब है, लीश है, बोन है, वो फाइनली लाइव हो चुके हैं। वहाँ पे आप उनको इजीली बाय कर सकते हैं शिबा इनू को। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ छोटी मोटी सी अपडेट थी शिबा इनू के ऊपर, क्योंकि शिबा इनू पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है, हम सबको वेट है कि जैसे ही शिबा रैम आएगा तो एक अच्छी खासी बुलरन हमें शिबा इनू में देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मार्केट का ठीक होना भी लाजमी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी जाके करें। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। पीस।